नमस्कार, मैं आपकी वसुधा राम। अभी एक आर्टिकल देखी और वीडियो भी देखी, अपने वारिस पठान बायकाला के एक्स एमएलए थे, ऑल इंडिया एमआईएम पार्टी की तरफ से 2014 में जीते थे और 19 में हारे। अब ये इंसान की राजनीति रहन दो, सियासत रहन दो, नॉलेज इतनी छोटी है कि 5 साल में ये सोच रहे हैं कि ये है वजीर हिंदुस्तान की। अब ये नहीं सोच पाए कि पीछे मुड़ के अपने खुद एमआईएम के वजीर को देखना था, इस अज़द भाईजान को, कि जब आपके डायलॉग निकले थे ना, तब उन्होंने सिर पकड़ के ऐसे बैठ गए थे। उसका मतलब क्या है मालूम? या अल्लाह, एक को बचाने में इतने साल लग गए, आप दूसरा आ गया ऐसा बोल रहा है। अब ये सोचो आप कि अगर 100 करोड़ लीगली आपके ऊपर केस डाले तो आपकी हालत क्या होगी। और आप बोल रहे थे कि हमारे बहन, मुसलमान बहन शेरनियाँ हैं, बाहर निकले, तो एक बात याद रख लेते, कोई एमआईएम पार्टी हैदराबाद में पैदा हुई समझ में आई, यहीं पे हमारे हैदरगुड़ा में पैदा हुई समझ में आई, और जहाँ से वो उठी थी वहीं से आप आके एक बार नॉलेज गेन कर लेना था तेलंगाना का हिस्ट्री और औरत के बारे में, औरतों के बारे में। जब काजिम रिजवी निज़ाम को हाथ में रख के उनको हटा के ये हुकूमत चलाना शुरू करे रजा करके आर्मी से, तब सोचना था यही वीर वनिता तेलंगाना की बेटियां लकड़ियां पकड़ पकड़ के रजा करों को मारे। सो हिस्ट्री है, ये हिंदू लड़कियां हैं समझ में आया, ये हिंदू औरतां थे, जब रजा कर पीछे पड़ के पूरी तेलंगाना को ऐसा मार रहे थे और मार डाल रहे थे लोगों को, यही औरत उठ के मार डाले। अब ये भी बोलती हूँ, आज 1919 में हैदराबाद में जब दंगे हुए थे, हमारे वालिद पुलिस थे तब, और अच्छे पोजीशन में भी थे, बहुत पावरफुल पोजीशन में थे, लाठी चार्ज करने के लिए पीछे हट गए थे, क्योंकि एक औरत बुरके में आई थी, और वो औरत बुरके में आई तो औरत को मारने के लिए पीछे हट गए थे पुलिस वाले, उसमें मेरे डैडी इंचार्ज थे, हमारे वालिद, और जब हट गए थे यही औरत आके हाथ में कंजर मारी, जब खंजर मारी और तब लाठी उठी पुलिस वालों की, तब पता चला कि यही बुरके में एक आदमी था। जब एक औरत के लिए पूरी पुलिस रुकी थी और जब वो आदमी निकला वो बुरके के अंदर, ऐसी लाठी पड़ी कि याद रखना था। इसलिए बोल रही हूँ कि बकवास बात करना बंद करो, समझ में आई आप, इंसानियत की बातें करो, पढ़ाई के लिए बातें करो, फ्यूचर उनकी कैसे आवाम को बढ़ाने के लिए, उनकी फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी सेहत के लिए बातें करो। बेकार के 15 करोड़ ख़त्म करेंगे बोले तो चूड़ियाँ पैठ के थाली बजा रहे क्या, 100 लोग हैं तुम्हारे को। अकबर साहब बोले, अकबर भाईजान बोले 15 मिनट दो बता देंगे। अब आप बोल रहे 15 करोड़ बस से, क्या क्या समझ रहे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान सरजमीन पर अगर अकबर बादशाह को सिर पे उठा सकते हैं, वही हिंदुस्तान तिमूर, खिलजी और बाबर को भी हटाए सो हिंदुस्तान है, और यही हिंदुस्तान पे छत्रपति शिवाजी औरंगजेब को भी हटाए सो हिस्ट्री है। छोटी सी आवाम थी फिर भी हकाले, इसलिए बोल रहे भड़का नक्को और अच्छी बातें बोलो, अच्छे बातें सिखाओ, अच्छे तबीयत और जहन में, उनके जहन में अच्छे चीज़ा डालो आवाम के। हिंदुस्तान भाई बहन के लिए, मुसलमान भाई बहन के लिए ऐसे बेकार बातें बोलना बंद करो। वारिस पठान जी, पीछे मुड़ के देख लेना था तुम्हारे वारिस और वजीर, ओके, आपके एमआईएम के वजीर का शक्ल देख के डायलॉग बोल लेना था, क्योंकि अब जो अकबर भाईजान को बचाते बचाते इतने साल चल गए, आपको बचाने में सोच रहे होंगे हाय दूसरा फायदा हो गया।
इन यूनिटी के बारे में नक्को बोलो, भाईचारा के बारे में नक्को बोलो, ऐसी बेकार के भड़कीले हौले बाता बोल बोल के आवाम को बर्बाद कर रहे 20 साल से, 60 इयर्स हो गए एमआईएम आके मुसलमान के लिए क्या करा ये सोचो, पांडवों की इनाग्रेशन ऑटो दिलवाने का नहीं तो कुछ और दिलवाने का बता नक्को करो, ये बोलो जब आपके सुप्रीम वजीर अज्जत साहब 100 करोड़ की घर बना सकते हैं बेटी की, चलो हम भी बेटियों को शादी करवाते हैं, करोड़ों की पैसे देते हैं और खर्च भी करते हैं, उनकी बेटी हमारी बेटी वो भी खर्च करे, हम कुछ नहीं बोले, कभी क्वेश्चन नहीं करे, सुभान अल्लाह अच्छा हुआ बोल के बोल लिए, खुदा के वास्ते बच्ची अच्छे रहो बोल के बोले, सब लोग दुआ करे बच्ची के लिए और उनके सब बच्चियों के लिए भी दुआ करेंगे हम, मगर ये सोचो बेकार बातें करके नक्को भड़काओ, अगर भी 60 इयर्स से अगर आवाम के लिए कुछ नहीं करे वो करना शुरू करो, बेकार का हिंदू मुसलमान बोल के भड़काओ नक्को, समझ में आई, हिंदू मुसलमान एक जमाने में यूनिटी में हिंदुस्तान के लिए लड़े, भारत देश के लिए लड़े, ये बेकार का बातें बोल बोल के अगर भड़काओगे, आपको दम नहीं था हैदराबाद में आके बोलने को, आपको दम नहीं था भाईकाला में बकवास बात करने को, मगर जाके कर्नाटका में बात बकवास कर रहे, अगर एक बार जाना था यूपी में नहीं तो केरला में वाट लगा के छोड़ देते थे, समझ में आई, तो क्या क्यों बोलते जी ये सब भड़कीले बाता, अच्छा बाता करो अल्लाह के वास्ते, समझ में आई, खुदा के वास्ते, रसूल जो सिखाए उसके वास्ते तो सीधा हो जाओ और सीधा सिखाओ पढ़ाओ और बोलो, समझ में आई, वारिस पठान जी बेकार बातें बोल के हिंदुस्तान की आवाम मुसलमान और हिंदू में डिवाइड नक्को करो, ब्रिटिश करके चली गई आप पैदा हो गए करने के लिए, और तो ये सोच के सोचिए, हम भी भड़कीले बातें कर सकते मगर आपके कौम के बच्चों के लिए और हमारे कौम के बच्चों के लिए हम कुछ नहीं बोलते, इतना समझा के बोलते हैं कि सुनिए आपके लिए कर रहे सब कुछ, मगर नहीं उल्टा ही बात करना तुम लोग, तो सोचो अगर एक हिंदुस्तान में रहना है तो अच्छा बोलो, नहीं तो कोई और ब्रिटिश की तरह आके कब्जा मारेगा और अपने नसीब में पाकिस्तान आके कब्जा मारेगा, अब ये जनरेशन में तो बर्बाद होंगे, वो नहीं आए तो चीन आ जाएगी, तो ये सोचो पॉलिटिक्स बायकाला नहीं है, ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, ये हिंदुस्तान की आवाम है, तो सोच के बात करो, फिर रहेंगे, खुदा हाफिज़, नमस्कार, उन्टान मरी, टेक केयर।